नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बारिश में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलू, टमाटर, प्याज, हरी सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। प्याज तो रुला ही रहा था, लेकिन अब आलू और टमाटर के दाम भी रुलाने लगे हैं। मंडी हो या फिर खुदरा बाजार, हर जगह सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलू तकरीबन 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है, प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। सब्जी लौकी 40 रुपए किलो थी और अब 80 रुपए किलो। भिंडी 60 रुपए किलो थी, 80 रुपए किलो। हर सब्जी महंगी हो गई। महंगाई तो जोरों पे ही है। टमाटर भी अच्छे खासे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा रुका हुआ था, लेकिन ये भी ऊपर हो जाता है, नीचे फिर नहीं आता। उधर प्रतापगढ़ में भी सब्जियों के दाम के मिजाज में भारी इजाफा हुआ है। जहां एक तरफ टमाटर बेकाबू हो चुका है, तो आलू मिर्च ने भी रेट में अच्छी खासरी छलांग लगा दी है। सबसे ज्यादा सब्जियों में इजाफा टमाटर के दाम में हुआ। टमाटर ने आज शतक लगाया। बाजार में एक किलो टमाटर 100 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। प्याज 50 रुपए किलो तो आलू 40 रुपए किलो यहां बिक रहा है। मिर्च की बात कर ली जाए तो मिर्च भी 80 रुपया किलो बिक रही है। धनिया 200 रुपए किलो, लहसुन 260 रुपए किलो और अदरक 160 रुपए किलो तक बिक रही है। तो ये प्रतापगढ़ में सब्जी मंडी का हाल है। हमारे साथ सब्जी विक्रेता हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। क्या रेट सब्जी का? रेट सर जो है इस समय 15 दिन और आज में बहुत अंतर हो गए। 15 दिन पहले टमाटर 40 रुपए किलो थे और आज टमाटर 100 रुपए किलो हो गए। आलू जैसे 15 दिन पहले 30 रुपए किलो थे, आज वही आलू 40 रुपए किलो हो गए हैं। हर सब्जियां महंगी हो गई है। कुछ तो बरसात के कारण, कुछ माल ना तैयार होने के कारण। बरसात में सब्जियां तैयार नहीं हो रही, सड़ जा रही है। क्या बारिश में सब्जियां आने में भी दिक्कत? हाँ, दिक्कत आ रही है, इसलिए कि बाहर से माल आ नहीं रहा है। प्याज वगैरह जैसे 50 रुपए किलो हो गई, आज के 15 दिन पहले 40 रुपए 35 रुपए किलो थी। इसके वजह से माल ना आने के कारण रेट में थोड़ा सा प्रभाव आया है। आम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आज टमाटर 100 रुपए पहुंच गया है, किस तरीके से देखते हैं, कैसे जनता के ऊपर और पब्लिक के ऊपर सब्जी का भार पड़ा? देखिए सर, ऐसा है कि जो सब्जियों का रेट इस समय वर्तमान समय में है, ये सब्जियों का रेट इस सीजन में हर साल प्रतिवर्ष बढ़ जाता है। साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या मानते हैं, जो सब्जी की लगातार रेट जो है वो बढ़ रहा है, कितना मानते हैं कि आम जनता के जेब पर प्रभाव डालेगा? जेब पर तो है ही है, लेकिन इसका कारण सिर्फ यही है कि बरसात की वजह से जो है सब्जियां किसान पैदा नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए सब्जी महंगी होती जा रही है बरसात के कारण। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से लगातार रेट में वृद्धि हो रही है और बरसात ने जहां एक और गर्मी से निजात दी है, तो दूसरे ऊपर आम पब्लिक को ऊपर स्वाभाविक चीज है कि बारिश में सारी सब्जियां पे पड़ जाते हैं, कीड़े सड़ जाती हैं सब्जियां। तो ये पहली बार महंगाई नहीं है। हमें लगता है कि हर साल ऐसे बढ़ता है गिरता है, सीजनली सब्जी है भैया। इधर देवरिया में भी सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किचन का खर्च चलाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बारिश से पहले सब्जियां सस्ती थी, लेकिन अब सब्जियों के दाम में बहुत बढ़ोतरी हुई है। सब्जी मंडी में टमाटर 80 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि बारिश से पहले यही टमाटर 40 रुपए प्रति किलो था। आलू भी अपने रंग दिखाने लगा है। सब्जी खरीदने आए ग्राहक परेशान है। सब्जी कीमत क्यों बढ़ी है? सब्जी भैया देखिए, हर साल जो है बरसात के समय में बढ़ जाता है। जब भी बारिश होती है, फसल जो है लोकल सामान खत्म हो जाता है और यहाँ का जब खत्म हो जाएगा, बाहर का आएगा तो महंगा हो जाएगा। अब टमाटर आपका बेंगलोर से आ रहा है, इतना दूर आ रहा है कि किराया भाड़ा तमाम तरह के जो है सड़ा गला निकल रहा है, इसकी वजह से ये सब सब्जियाँ महंगा हो जा रही हैं। इस समय जो रेट बहुत हाई चल रहा है, तो जो दुकानदार आ रहे हैं, जो लोग खरीदार आ रहे हैं आपके यहाँ, वो आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया कि बिक नहीं रहा है, बिक्री कम हो गया है, हम लोग को जो है महंगा की वजह से ग्राहक कम चढ़ रहे हैं, मगर रोजमर्रा की चीज़ है तो जरूरी है कि भाई लेना ही पड़ेगा ग्राहक को। सब्जी मंडी आए हैं, सब्जी मंडी में तो सब्जियों का दाम इतना आसमान छू रहा है कि गरीबों का जो है, हम लोगों का जो है घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ पर जो है आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, परवल, तमाम सब्जियों के दाम इतने महंगे हो गए हैं, घरों पे सब्जी ले जाना आदमी जो है नमक तेल खाने के
उनके लिए वो इतनी महंगाई चरम पे हो गई है। और अब आपको झांसी लिए चलते हैं। झांसी में भी सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। हरी सब्जी से लेकर आलू टमाटर प्याज के दामों में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। सब्जी खाने के शौकीन जब झांसी की सब्जी मंडी सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं तो उसके बाद उनकी स्थिति देखने लायक है, क्योंकि सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जो लोग सब्जी खरीद रहे हैं उन्होंने सब्जी की क्वांटिटी कम कर दी है। खबर ताजनगरी से, यहां पर टमाटर 80 रुपए किलो आज बिका, जबकि प्याज 60 रुपए किलो। आलू की बात की जाए तो 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। बारिश की वजह से बाजार में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से बातचीत की, उनका क्या रिएक्शन है सब्जियों के बढ़ते दाम पर वो समझिए। इसकी मार अब सब्जियों पर पड़ने लगी है, सब्जियों के दाम दुगने होते नजर आ रहे हैं। इस समय मैं एक फड़ पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहां कई सारे लोग हैं जो सब्जी लेने आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सब्जी के दामों पर कितना असर हुआ है बारिश की वजह से। सर, बारिश के कारण सब्जी महंगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। सब्जी टमाटर पहले 50 था और 80 रुपए किलो, दुगनी दुगनी नहीं 50 हो गया। आपका नाम? अच्छा, फली है जो नाम है 20 रुपए थी, अब 60-70-80 हो गई है। तो मतलब प्याज टमाटर के साथ हरी सब्जियों पर भी महंगी हो गई है। अच्छा, देखिए तो बहुत सब्जियां महंगी हो गई है बारिश की वजह से, और भी है उनसे ही बात करेंगे। भैया आलू बिक रहे थे 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40-50 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं। जैसे आलू बताओ, आलू ही नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? आलू की सब्जियां महंगा, आलू तो राजा होता है। हां, मेन चीज तो आलू होती है, आलू इतना महंगा हो गया है, अब बताओ क्या करेंगे। और ये टमाटर भी 80 रुपए किलो हो गए हैं, अभी कुछ दिन बाद 100 रुपए किलो हो जाएंगे बारिश की वजह से। तो टमाटर, आलू और हरी सब्जियां तीनों ही महंगी नजर आ रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से, जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के कारण जो सब्जियां हैं वो अब दुगने दाम हो गए हैं। टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो, और वहीं जो आलू है वो 50 से 60 रुपए प्रति किलो, जो 20 रुपए किलो मिलता था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होने से तो धीरे धीरे जो किचन का बजट है महिलाओं का वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के कारण सब्जियों के दाम अब आसमान छू रहे हैं। शिव कुमार, न्यूज 18 आगरा। दर गाजियाबाद की सब्जी मंडी पहुंच रहे लोग भी परेशान दिखे। एकाएक सब्जियों के रेट में उछाल आने की वजह से लोग अब सब्जी कम खरीद रहे हैं। आलू आज 40 रुपए प्रति किलो तक यहां बिका, वहीं 50 रुपए के हिसाब से प्याज बिक रहा है। टमाटर की बात कर ली जाए तो थोक बाजार में इसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो। आज 70 रुपए किलो मिले हैं। खाली टमाटर गायब हो जा रहा है, सुनने में तो प्याज रेट भी आएंगे, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, तो महंगाई तो बढ़ेगी, बढ़ेगी और तो बढ़ ही रही है। तो सीजनल है, पता नहीं क्या कारण है। देखिए हर साल बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं रेट, बता रहे हैं। फिर कुछ टाइम आया कम हुई है, लेकिन टमाटर प्याज कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो बढ़ते ही बढ़ते हैं। अच्छा, टमाटर के रेट क्या चल रहे भैया? टमाटर 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। अच्छा, 60। और इससे पहले कितना था बरसात से पहले? 20 रुपए किलो, यही बताया जा रहे हैं जी। आप बताएंगे बरसात के बाद का महंगाई हो गई है, दो गुना महंगाई। 20 रुपए का तो आप 60 हो गए, बल्कि कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार, मानसून आया, बाढ़ लाया, सात राज्यों में जल कहर, डूबे कई शहर।
मानसून की शुरुआत हुई नहीं कि पानी की वजह से परेशानी बढ़ गई है। जल प्रलय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की, क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह पानी ने कब्जा कर रखा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से हड़कंप है तो मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। देश में बारिश और बाढ़ ने कितना कोहराम मचाया है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रलय मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश तो कहीं नेपाल से आया सैलाब तबाही मचा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान मार रही हैं, कहीं लोग फंसे हुए हैं तो कहीं पूरा का पूरा शहर ही पानी की चपेट में है। तबाही का ऐसा ट्रेलर देख इंसान सहमा हुआ है तो कुदरत अठास लगा रही है, जबकि अभी जुलाई की ही ये शुरुआत है, बारिश का पूरा महीना अभी बाकी है। तो हर तरफ प्रलयकारी पानी का कब्जा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड से। पहाड़ों पर मौसम की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था, पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था, अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है वहां सड़क बनाई जा रही है और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है, पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है, तेज भाव के कारण पैर फिसलने की संभावना है।